जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे, सर जो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए फर्स्ट ईयर के लिए कौन कौन सी बुकें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आप उस पर एक वीडियो बता दीजिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आपके लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैं बात करूँगा बेस्ट बुकें बीएससी एग्रीकल्चर अलाइड साइंसेस के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए। तो इन्हीं की बात रिगार्डिंग जो है हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज चीज़ है इसमें इस वीडियो के अंतर्गत, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा जो आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट करके लाया हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये जो है बुकें हैं, और यहाँ पर आपके सारी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे बुक्स रिलेटेड, बुक में क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। यदि वीडियो पर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको भी पता है कि मेरे चैनल के द्वारा आपको इसके एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको अपडेट भी मिलते रहेंगे और उसमें जानकारियाँ भी आपको मिलती रहेंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये पहली बुक है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये फंडामेंटल एग्रीकल्चर है, जिसमें कि आपको यहाँ पर एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, ये जितने भी आपके टॉपिक हैं ये सारे इसमें कवर हो जाएंगे, चाहे एग्रोनॉमी हो, सॉयल साइंस हो, एक्सटेंशन हो, और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, फार्म मैनेजमेंट, ये सभी जो सब्जेक्ट हैं वो इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। बहुत ही बेस्ट बुक है ये। इसके राइटर जो हैं वो अरुण कत्यान हैं। इसकी दो वॉल्यूम होती हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वन वॉल्यूम है ये। फर्स्ट वॉल्यूम में आपको ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, और इसके बाद बात करें इसके अंदर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे इसमें देखने को आपको मैटर मिल जाएगा। इसमें अगर आप पढ़ते हैं इसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ गया है, यहाँ पर कंटेंट में देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा जो है इसमें हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आपको एक तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में है, ना ही ये ब्लड फॉर्म में है, ना ही वन लाइनर टाइप की है, बट इसमें जो समराइज है, कंसेप्ट बेस्ड जो है समराइज किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न, इनिडेशन एंड एलिलोपैथी, यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉप इकोलॉजी, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर भी इसमें दिया गया है, बुलेट फॉर्म में नहीं है ये, लेकिन उसको जो है समराइज फॉर्म में दिया गया है, कॉन्सेप्ट जो समराइज फॉर्म, ताकि अगर आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव भी आपको लिखना है, तो आसानी से आप लिख सकते हैं इसको पढ़ कर कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसमें जो है MCQ भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उस भी आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखें, ये MCQ क्वेश्चन पूरे जो है यहाँ से दिए गए हैं, इसमें यहाँ से ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन पेपर इसमें दिए गए हैं, क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए हैं, कम से कम इसमें जो है आपको पाँच सौ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें मॉडल पेपर, इसके पीछे जो है दिए गए हैं 510 हैं। यहाँ पर देखिए इतने भी आपको सॉल्व करने, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छी हो जाएगी इससे। तो ये हुई वैल्यू वन की बात। इसकी प्राइस की जो है आपकी बात करें तो 325 रुपये जो इसकी प्राइस है, 325 की आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें इसमें वैल्यूम टू, जो अरुण कत्यान के द्वारा ही लिखी गई है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, और इसमें जो है आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं अरुण कत्यान। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आपको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये सभी जो हैं आपके सब्जेक्ट इसमें इस बुक के वॉल्यूम सेकंड में कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कैसे कैसे आपके इसमें टॉपिक देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कंटेंट्स में आपको दिया गया है, कंटेंट इसमें क्या क्या है, इकोसिस्टम आपको मिल जाएगा इसमें, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये सभी टॉपिक जो है आपके, जैसे कि जो सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर में, आपको यहाँ से आपका जो सब्जेक्ट है वो भी इसमें कवर होगा। तो आपको अच्छी तरीके से अगर इसे भी फॉलो करते रहेंगे, तो आपको जब जैसे कि फाइनल जब आपका पेपर होगा, मान लीजिए आप कंपटीशन तैयारी करेंगे, यूपी कैटर देंगे, BHU का देंगे, CUT का, GRF का देंगे, तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि आप सेमेस्टर के अनुसार ही जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार इस किताब को भी फॉलो करते रहेंगे, तो बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको। मैंने खुद अप्लाई किया इसीलिए आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको डिटेल में इतना इनफ मिल जाएगा, जिससे आप थ्योरी भी लिखना चाहें तो थ्योरी भी लिख सकते हैं,
डिस्क्रिप्टिव भी आंसर उसका दे सकते हैं, और एमसीक्यू तो आपको सॉल्व हो ही जाएंगे इससे। अच्छी बात इसमें क्या है, इसमें जो है आप पहले इसे थोरली पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है इसको जो है इसके जो एमसीक्यू है उसे सॉल्व करिए, ताकि जो है इसके आपको रिवीजन अच्छा हो जाएगा आपका। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको सेमेस्टर वाइज जो भी सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पड़ेगा उसी सब्जेक्ट को आप इससे बुक को फॉलो करके और अपना सेमेस्टर का पढ़कर, ताकि आपका सेमेस्टर में भी अच्छा स्कोर आएगा, और इसको जब पढ़ लोगे एक बार तो जब फाइनल में जब वो कंपटीशन में बैठोगे तब जाके आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर देखिए पूरा जो है इसको कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है इसको समराइज फॉर्म में आपको मिल जाएगा सब। एक अच्छी स्टैंडर्ड लेवल के जो है क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है अब CUT और जो NTA का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है, उसमें कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछने जाने लगे हैं, तो उससे वो मैचिंग टाइप्स के उसमें भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसका भी वही स्टैंडर्ड लेवल से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे MCQ में, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ले जाने की बात तो भूल जाओ, अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाए। नेक्स्ट बुक है अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका राइटर है जो नेमरा सुंडा जो है इसके राइटर हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि इस बुक में आपको जितना भी मैटर मिलेगा वो सभी जो है एक समराइज फॉर्म में मिल जाएगा, वन लाइनर फॉर्म में मिल जाएगा, वन लाइनर में अच्छी तरीके से अगर उसको अच्छी तरीके पढ़ेंगे तो आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसमें जो है मेन पॉइंट जो है आपको इसमें मेंशन किए हुए मिल ही जाएंगे, तो इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें बात कर ले तो क्या क्या आपको इसमें मिलेगा, तो इसमें आपको जो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इवैल्यूएशन और हिस्ट्री मिल जाएगी, जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड एनिमल प्रोडक्शन भी मिल जाएगा इसमें, एनिमल हस्बेंड्री। और अब जो है इसका जो नया वर्जन आया है उसमें आपको इंजीनियरिंग भी मेंशन कर दी गई है, तो आपको इंजीनियरिंग भी यहाँ से मिल जाएगी। तो इस बुक के बारे में क्या कहा जाता है तो आप इस क्लिप से समझ सकते हैं, बाकी जो है इसमें जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें वन लाइनर तरीके से बहुत ही बेहद अच्छी तरीके से पूरा मेंशन किया, जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो नेम है जो ओरिजिन है वो उसको एक ही जगह पर जो है सारे टर्म को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया है, तो इसी प्रकार से इसमें आपको वन लाइनर फॉर्म में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसे देख सकते हैं इसमें हिस्ट्री में कैसे कैसे इनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो सभी जो आपको एक सिक्वेंस से देखने को मिल जाएगा पूरे का पूरा, इसको आसानी से आप देख सकते हैं, आसानी पढ़ने में भी मज़ा आता है इसमें, क्योंकि ये एक बोरिंग टाइप की नहीं है, तो थोड़ा भी आसानी से आपसे वन लाइनर है तो आराम से प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। अगर आप पहले कोशिश करिए कि थ्योरी पढ़े, थ्योरी पढ़ने की वजह से कि आपको वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम सेकंड है, ये सभी आसानी से पढ़ लें, उसके बाद में जो इसे शुरुआत करें। शुरुआत कैसे करनी है, मेरा जो पढ़ने का तरीका है इसको, तो मैं इसको कैसे पढ़ता था, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट आते थे जो हमारे सेमेस्टर में आया सब्जेक्ट, मान लीजिए सोयल साइंस आया, फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस आया, तो फंडामेंटल सोयल साइंस, तो यानी कि मैं क्या करूँगा, पहले जो थ्योरी की बुक है जैसे कि आप यहाँ पर वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ सकते हैं जिसमें कि सोयल साइंस है, तो सोयल साइंस पहले मैं इससे पढ़ लिया, उसके बाद में इसी के बाद इससे भी सोयल साइंस पढ़ ली, तो सोयल साइंस जो है इसका सोयल साइंस दोनों का मिलाकर जो सेमेस्टर का जो वहाँ पर प्रोफेसर लोग पढ़ाएंगे वो उसको मेंशन करके तीनों जगह से बढ़िया एक अपना नोट्स बना लिया है, अपना नोट्स बना लिया या इसी पढ़े, तो इससे क्या है कि जो जब कभी हमें रिवीजन करना होगा तो मैं रिवीजन डायरेक्ट इसका करूँगा, ना कि वॉल्यूम फर्स्ट का, ना ही उसका, रिवीजन डायरेक्ट इसका करूँगा, क्योंकि ये ऐसा बुक है, क्योंकि इसको बार बार रिवीजन भी किया ना, क्योंकि आगे तक भी कोई भी कंपटीशन में बैठना है तो आपको इसके बगैर पॉसिबल नहीं है, अति जल्दी रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं इसको ही फॉलो करता था कि तीनों का मिलाकर जो भी मैटर मिला उसको इसमें नोट डाउन करें या उसका शॉर्ट नोट बना लें, तो उसको रिवीजन के टाइम पर यही बुक जो है इसे मैं फॉलो करता था, तो ऐसे मेरा पढ़ने का तरीका था, जो भी जिसे सोयल साइंस आया इस सेमेस्टर में तो उस समय सेमेस्टर में सोयल साइंस ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ताकि जो है रिपोर्ट कार्ड में स्कोर भी अच्छा है और अपना जो है एक जो सब्जेक्ट है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए। इसी प्रकार से अगले जो सेमेस्टर आया उसमें मान लीजिए मेजर फील्ड क्रॉप आया, तो मेजर फील्ड क्रॉप जो आई तो वो इस बुक से
और दूसरी इस बुक से, दोनों ने कवर कर ली। तो इस प्रकार से आसानी से हर सेमेस्टर वाइज अपना जो है एक एक जो है सब्जेक्ट अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। इससे यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो इसमें अच्छी तरीके से दिया गया है। और इसका जो है ब्रह्मास्त्र है ये एग्रीकल्चर का, तो इसे आपको पता ही है, और नहीं पता है तो आपको इसे जान ही जाएंगे जैसे जैसे आपको सीनियर मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिए हैं, इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये 325 रुपये की जो है आपको मिल जाएगी। यहाँ पर दिया गया है, शायद आपके कैमरे में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर जो है आपको इतने की आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें कि अगर आप एग्रीकल्चर आपको मिला है, बीएससी एग्रीकल्चर है, तो उसके लिए एक बेस्ट बुक है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर मिला है तो आपके लिए उस कौन सी बुक आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो उसमें आप बात करें तो बेसिक हॉर्टिकल्चर, तो बेसिक हॉर्टिकल्चर आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। इसका नाम है बेसिक हॉर्टिकल्चर, जो कि जितेंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई है। आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या चैप्टर आपको इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि इस बुक से जब आप पढ़ेंगे तो आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे जो है इसमें आसानी से कवर हो जाएंगे। जैसे कि हॉर्टिकल्चर डिफिनीशन, इम्पोर्टेंट एंड स्कोप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड बियरिंग एंड अनफ्रूटफुलनेस इन फ्रूट प्लांट्स एंड सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, वराइटल वेल्थ ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसमें कि जो वराइटी है हॉर्टिकल्चर वो सभी एक ही जगह पर अच्छी तरीके से मेंशन है। और इसमें राइजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी, वेजिटेबल गार्डनिंग प्लानिंग एंड लेआउट, जो लेआउट करते हैं ऑर्चर्ड का, ये सभी जो है इसमें टॉपिक अच्छी तरीके से पूरे जो है इसमें कवर कर दिए गए हैं। न्यूट्रिशन है, बायोफर्टिलाइजर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, इसी प्रकार से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको यहाँ से अच्छी तरीके से, वो भी थ्योरी फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसे आप अच्छी तरीके से पढ़िए। मान लीजिए आप अगर भविष्य में अगर जेआरएफ की तैयारी करते हैं हॉर्टिकल्चर से, तब भी आपको इस बुक को ज़रूर खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप हॉर्टिकल्चर से ही हैं, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अब भी आपको ये किताब ज़रूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि बेस्ट बुक है और इसके पढ़ना चाहिए इसी से। और यदि आप जेआरएफ की तैयारी करेंगे, तो मान लीजिए एग्रीकल्चर से हैं लेकिन आप जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर से, तब भी आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा जो है समराइज फॉर्म में आसानी से दिया गया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लेआउट है इसमें, उसमें पूरा अच्छे तरीके से लेआउट का जो है चैप्टर दिया गया है। ये तो यहाँ पर देख सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो, आपके लिए ये बुक तो जरूर ही परचेज करनी चाहिए, ताकि आपका जो बेसिक जो एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स हैं या फंडामेंटल्स हैं वो भी आपके कंफर्म हो जाए। तो आपको ये बुक जो है जरूर लेनी चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। एसआर रेड्डी इस जो है इसके राइटर हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक लगभग आपको 300 के आसपास जो है आपको ये बुक मिल जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर भी इससे रिलेटेड जो है अपडेट आपको मिलते रहेगी। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा।